अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। मैं हूं आपके सामने नूरी भाई खलीफा, आप सज्जद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। नाज़रीन, रहमताबाद टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। नाज़रीन, जो आपको मंज़र दिखाई दे रहा है वो हुजूर सैयदना फखरुद्दीन शाहवली सरकार की बारगाह का है और ये बारगाह रहमताबाद शरीफ में वाक़ है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में ये बारगाह है। नेल्लूर से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये बारगाह मौजूद है। हुजूर सैयदना फखरुद्दीन शाहवली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर जो भी हाजतमंद हाजिर दरबार होते हैं उनकी मन्नतें मुरादें यहाँ पर पूरी हुआ करती हैं अल्लाह के फजल व करम से और पंजत नपाक के सबके तुफैल में। चूँकि आज इस बारगाह में जश्न संतल का अहतमाम है, हुजूर सैयदना फखरुद्दीन शाहवली सरकार की बारगाह में आज यानी कि आज 13 फरवरी 2020 है, जुमेरात का दिन है। आज बाद नमाज ईशा यहां पर जश्न संतल मनाया जाएगा। जश्न संतल में शिरकत के लिए सैकड़ों अकीदतमंद यहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंच भी गए हैं कसीर तदाद में ज़ायरीन, और इस दरबार में ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ ज़ायरीन से कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, वो जश्न सिंधल में शिरकत करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गनी है। गनी भाई, आप जो है रहमताबाद शरीफ को आए हैं, फखरुद्दीन मुबारक सिंधल में शरीफ होने के लिए आए हैं? जी जी, हम लोग आते रहते हैं सरकार के सिंधल में। अच्छा, हर साल जो है फखरुद्दीन बाबा के संदल में आप आते हैं? जी जी, इस बार भी जो संदल में आएंगे। जी, क्योंकि आज 13 फरवरी है, जुमेरात का दिन है, आज जो है जश्न संदल यहाँ पर बाद नमाज ईशा मनाया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आप जो है जश्न संदल में हिस्सा लेंगे, शरीफ होंगे इंशाल्लाह। ज़रूर जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार का करम है कि हम आपको इस संदल में बुला लिए। जो हर साल जो है आते हैं जी, ये करम होता रहे आपके साथ। बेशक बेशक, ज़रूर जी। आप जो अकेले आए हैं कि आपकी फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, कभी फैमिली भी आती है, मैं अकेला भी आता हूँ। जी अच्छा, फैमिली वक्त अकेला ही। फिर वक्त अकेले आप रहमताबाद शरीफ को आए हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शेख मोहसिन। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं निज़ामाबाद से रहने वाला हूँ। हाँ, निज़ामाबाद से जो है रहमताबाद शरीफ को आए हैं, तो फखरुद्दीन बाबा के संदल में शरीक होने के लिए आप आए हैं? हाँ जी हाँ, मैं फखरुद्दीन बाबा के संदल में शरीक होने के लिए आया। हर साल आते हैं यहाँ पे? जी हाँ, हर साल। हर साल जो है यहाँ पे फखरुद्दीन बाबा उन लोग आते हैं उनके साथ। आज हमें ये साल में, अगले साल नहीं आता हूँ। जी जी, आपके यहाँ पर आने से कुछ मन्नतें मुरादें भी वगैरह कुछ पूरी होती हैं? हाँ जी, होती हैं। जी 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 हाँ, तो हर साल यहाँ पर आते हैं? हाँ जी। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, आप जो है कहाँ पे रहते हैं? हैदराबाद में, किशन बाग। अच्छा, किशन बाग हैदराबाद से आप जो है रहमताबाद शरीफ आए हैं? जी। क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पे फखरुद्दीन बाबा का संदल है, उसके लिए आया। आप संदल में शरीफ होने के लिए आप आए? जी हाँ। आप अकेले आए कि आपके साथ कोई दूसरे? मेरी फैमिली के संग आए। पूरी फैमिली, आपके वालदा वगैरह सब यहाँ पर आए? जी, संदल में रहेंगे, उसके बाद चिरागा में रहेंगे, तहलील की फातिहा करके इंशाल्लाह ताला जाएंगे यहाँ। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात।